हेलो स्टूडेंट्स हेयर वी आर विद अवर कॉपी वर्क ऑफ इंग्लिश फ्रॉम क्लास फर्स्ट एंड वी आर डूइंग अवर क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द चैप्टर मैरी गो राउंड सो टेक आउट योर फेयर कॉपी ऑफ इंग्लिश एंड पेंसिल ओके तो बच्चों अभी हम अपना यूनिट फाइव और चैप्टर नाइन जो है मैरी गो राउंड इसका हम कल बुक वर्क कर चुके थे तो आज हमें इसका कॉपी वर्क करेंगे तो सब आप अपनी फेयर कॉपी ओपन करिए ओके इंग्लिश की ठीक तो आप सब फेयर कॉपी ओपन करिए इंग्लिश की ओके सो लेट्स स्टार्ट तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन तो अब फर्स्ट क्वेश्चन इज एच ओ डब्ल्यू हाउ हाउ मिस्ट कैसे डी आई डी डेटेड मिस किया टी एच ई दादा मिश्रा एम ई आर आर वाई मैरी जियो गो आर ओ यू डी राउंड जियो गो गोमेज जाना हाउ डिड द मैरी गो राउंड तो जो मैरी गो राउंड है झूला वह कैसे झूल रहा था तो कैसे झूल रहा था वह राउंड एंड राउंड ठीक है तो हम पर लिखेंगे यूनिट फाइव Chapter Nine Merry Go Round M E R R Y Merry Go R O U N D Round. ठीक है तो हमारे चैप्टर का नाम है मैरी गो राउंड राइट देयर क्वेश्चन आंसर क्यू यू ई एस टी आई ओ एन क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था हाउ डिड द मैरी गो राउंड गो तो मैरी गो राउंड वो कैसे चल रहा था मैरी गो राउंड राउंड एंड राउंड तो क्वेश्चन फर्स्ट हाउ एच ओ डब्ल्यू हाव डिड डी आई डी डेड द टी एस एशीद मैरी एम ई आर आर वाई मैरी गो जी ओ को Round R O U -N -D round go. Question mark how did the merry go round go? And our answer is Round and Round R-O-U-N-D, and round A and D and राउंड आर ओ यू एन डी राउंड तो हाउ डिड द मैरी गो राउंड गो राउंड एंड राउंड नाउ क्वेश्चन सेकेंड है एच ओ डब्ल्यू हाउ हाउ मींस कैसे डी आई डी डे डेड मिस किया दादा डा था बी आई जी पे एक पे एक मिस पड़ा बी आर ओ डब्ल्यू एम ब्राउन ब्राउन मिस भूरा एच ओ आर एसी हॉर्स हॉर्स मिस घोड़ा जियो गो गो मिस जाना हाउ डिड द बिग ब्राउन हॉर्स गो तो जो बिग ब्राउन हॉर्स था वो कैसे चल रहा था तो कैसे चल रहा था अप एंड डाउन ऊपर और नीचे ऊपर नीचे ना तो लिखो सैक नंबर का क्वेश्चन है हाउ एच ओ डब्ल्यू हाउ डिड डी आई डी डिड द टी एच दिग पी आई जी बिग ब्राउन बी आर ओ डब्ल्यू एंड ब्राउन हॉर्स एच ओ आर एस हॉर्स गो जी ओ गो तो हाउ डिट द बिग ब्राउन हॉर्स गो आंसर अप एंड डाउन यू पी अपी एंड डाउन डी ओ डब्ल्यू एंड डाउन ओके तो यह हमारे दो क्वेश्चन हो गए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एच ए वी ई है वह मिस पास या है वाय एस ई एन सी इन सी इन means देखना मीन्स एक एम ई आर आर वाई मैरी जियो को आर ओ यू एंडी राउंड हैव यू सीन अ मैरी गो राउंड क्या आपने एक मैरी गो राउंड देखा है तो देखा होगा ना आप लोगों ने मैरी गो राउंड तो आप लिखेंगे Yes. Now क्वेश्चन थ्री Have H A V E have U Y O U seen S E E and seen are Mary M E R R Y Mary Go G O go round R O U N D round Question mark. So, have you seen a merry-go-round? Write the answer: Yes. Y-E-S. Yes, I have seen. S-E-E-N. Seen. So, yes, I have seen a merry-go-round. मैरी गो राउंड देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डब्लू एच ई आर वेर एच वी हैव मे पास फाई यू यू मीस तुम ए सी एन सीन सीन मीन्स देखना आई टी एट इट मींस वेर है तो आपने इसे कहाँ देखा है तो पहले आपने आपसे क्वेश्चन पूछा था हैव यू सीन अ मैरी गो राउंड तो आपने लिखा यस आई हैव सीन अ मैरी राउंड अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि वेर यू हैव सीन इट आपने इसे कहाँ देखा है तो कहाँ देखा आपने मैरी मैरी राउंड यस इन अ फेयर यानी जब मेला लगता है तो कोई फेयर लगता है तो उसमें मैरी राउंड झूला आता है ना तो आप आंसर लिखेंगे इन अ फेयर no question next question a question for where wh -E -E, where have h a v e have u y o u seen s e e n seen आई टी एट क्वेश्चन मार तो आपसे पूछा है वेयर हैव यू सीन इट तो आपने उसे कहाँ देखा है आंसर लिखिए ए एन एस आंसर इन आई हैव सीन इट इन अ फेयर आई हैव ए वी ई हैव सीन एस ई एन सीन एट आई टी एट इन आई एन इन a fare, f a i r तो ये आई हैव सीन इट इन अ फेयर तो मैंने इसे कहाँ देखा है एक फेयर में एक मेले में अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं w o u l d would मिस होगा y o u you मिस तुम l i k e लाइक लाइक पसंद टी ओ टू टू मिसको जियो गो गो मिस जाना टी ओ टू टू, टू मिस को आ मीन्स एफ ए आई आर फेयर फेयर मिस मिला तो आपसे पूछ रहे हैं है वुड यू लाइक टू गो टू अ फेयर तो क्या आपको फेयर में जाना पसंद है मेले में जाना पसंद है Yes तो आप क्या लिखेंगे यस आई लाइक टू गो टू अ फेयर क्योंकि फेयर यानी मेले में जाना तो पसंद होता है ना सब कुछ हर किसी को Yes तो so, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन फाइव वुड डब्लू ओ यू एल टी वुड यू वाई ओ यू लाइक एल आई के ई लाइक टू टी यू टू गो जियो गो टी यू टू अर एफ ए आई आर फेयर तो वुड यू लाइक टू गो टू अ फेयर तो आपसे पूछा है तो आप आंसर क्या के लिखेंगे यस आई लाइक टू गो टू अ फेयर तो आप लिखिए येस तो आंसर लिखिए यस

नेक्स्ट क्वेश्चन था अब देखो नाउ अब आपसे कहा है कि लुक एट दिस पिक्चर एलो के लुक लुक मीस देखना ए टी एट एडमिट्स पर टी एच आई एस दिस दिस मीन्स ए पी आई सी टी वाली पिक्चर पिक्चर मीस चित्र ए एंडी एंड एडमिट्स और डी एस सी आर आई बी डिस्क्राइब डिस्क्राइब मिस वर्णन करना टी एच ई द मिस् द एफ ए आई आर फेयर फेयर मींस मेला लुक एट दिक दिस पिक्चर एंड डिस्क्राइब द फेयर तो ये क्वेश्चन आंसर हम लिखेंगे नहीं मैं आपको ऐसे ही डिस्क्राइब करना है तो इसको मैं आपको डिस्क्राइब कर दे रही हूँ ऐसे ही तो देखो तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं कि लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब द फेयर तो देखो यहाँ पर आपको फेयर दिख रहा है ना मेला दिख रहा है ना तो आपको ये पिक्चर देखनी है और फिर बताना है कि क्या क्या मेले में दिख रहा है तो देखो आपको क्या आ रहा है क्या दिख रहा है तो फर्स्ट है दे आर मैनी चिल्ड्रेन इन द फेयर है ना बहुत से बच्चे हैं ना और दे आर इन्जॉइंग देयर राइड्स इन द फेयर तो जो राइड्स यानी जिस चीज़ में भी वो सवारी कर रहे हैं उसको इंजॉय कर रहे हैं ना और दे हैव कम विद देयर पेरेंट्स और वे अपने किसके साथ आए हैं अपने मम्मी पापा के साथ आए हैं अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं और दे आर बाइंग बैलूस एंड टॉयज और वो क्या ख़रीद रहे हैं बैलून्स और टॉयज़ ख़रीद रहे हैं तो ये हमने डिस्क्राइब कर दिया नेक्स्ट है आपका टी ए एल की टॉक टॉक मिस बात करना ए बी ओ यू टी अबाउट अबाउट मिस के बारे में टी एच ई दिस टी एच आई एन जी एस थिंग्स थिंग्स मिस चीज़ें फाई ओ यू यू मिस तुम ई एन जे हुआ इन्जॉय एंजॉय इन मिज आनंद लेना ए टी एट एट मिस पर मे एक एफ ए आई एर फेयर मिस मिला टॉक अबाउट द थिंग्स यू एंजॉय एट अ फेयर तो अब आप जो भी चीज़ें इन्जॉय करते हैं मेले में उसके बारे में बताइए कह रहे हैं तो आपका तो आई इन्जॉय सिटिंग इन टॉय ट्रेन एंड मैरी गो राउंड तो मैंने क्या इन्जॉय किया कह रहे हो आप कि टॉय ट्रेन में बैठना और मैरी गो राउंड ये जो झूला है इस पर बैठना और आई लाइक ट्राइंग डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स टू ईट इन अ फूड स्टॉल तो एक देखो फूड स्टॉल रख लगा होता है उसमें से आपने अलग अलग चीज़ें खाई तो उसको भी आपने इन्जॉय किया एंड आई इन्जॉय बाइंग बलून्स एंड टॉय टॉयज और मैंने बलून्स और टॉयज को ख़रीदना भी इंजॉय किया ठीक है तो ये हम लिखेंगे नहीं खाली आपको डिस्क्राइब करना है तो मैंने ओरली ये आपको बता दिया ठीक है तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर तो इस तरह से आप पहले यूनिट फाइव चैप्टर नाइन मैरी गो राउंड लिखेंगे देन आपका क्वेश्चन आंसर फर्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड मैरी राउंड गो तो आंसर है हमारा राउंड एंड राउंड सेकेंड है हाउ डिड द पिक प्राउन हॉर्स गो आंसर अप एंड डाउन हैव यू सीन अ मेरी गो राउंड येस आई हैव सीन अ मैरी गो राउंड वेयर हैव यू सीन इट आई हैव सीन इट इन अ फेयर वुड यू लाइक टू गो टू अ फेयर तो हमारा इसका आंसर है येस आई लाइक टू गो टू अ फेयर ठीक है तो आप इसको अपना वर्क करिए नीट एंड क्लीन हैंड रइटिंग में और जो भी आप लिख रहे हैं उसको लर्न भी करिए ठीक है तो ये क्वेश्चन फिफ्थ में है और क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर आपका पीछे है यस आई लाइक टू गो टू अ फेयर तो जो भी आप ये काम कर रहे हैं अपना इसको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करिए एंड लर्न इट ऑल्सो ओके सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे